हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में मैं बहुत अच्छी अच्छी DIY लेकर के आती रहती हूँ, और फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोगों में भी जज्बा है कुछ करने का, कुछ आप लोगों में भी अपने घर को सजाने का काम करना है, आप थोड़े नेचर से जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स इतने अच्छे ढंग से सजावट होती है नेचर से लगाव में रह करके। और हमारा एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक एटमॉस्फेयर सबसे अच्छा रहता है, तो जो है मेरे साथ अंत तक बने रहें। और फ्रेंड्स मैं हज़ारों तरह की ऐसी DIY लेकर के आती रहती हूँ बिल्कुल नेचुरल तरीके से। फ्रेंड्स ये जो आप त्रिशूल आज एक देख रहे हैं, त्रिशूल मैंने बनाया है, कई एक पीकॉक लेकर के आए हैं, त्रिशूल लेकर के आए हैं, कई हट लेकर के आए हैं, कई मैंने देखी है, जैसे कटिंग से मैंने ये ट्री अच्छी तरीके से अगले साल तक ही काफ़ी मोटा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये इन दिनों में जेट प्लांट से जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं आप तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तरह तरह के मैं DIY लेकर के आप लोगों के बीच में आती रहती हूँ। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा मैं ये सारी चीज़ें बनाती हूँ करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत ही सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है नेचर से जुड़े रहने का। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखें तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए एक ये फ्रेंड्स मैं कई तरीके का पेड़ मैं पौधे कई तरह के तैयार कर रही हूँ, और कई तरह के मैंने आप लोगों के साथ में दिखाए भी हैं, आप लोगों ने काफ़ी उसको सराहा भी है, अच्छा बताया भी है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें और देखें आप कि मैं क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ। कहीं से भी एक डंडी मिल जाए आपको, एक डंडी मात्र कहीं से मिल जाए, एक डंडी से ये इतना ज़बरदस्त पौधा है, इतना हार्डी पौधा है ये, कि एक डंडी आप ला कर के रख लें। इसको फ्रेंड्स ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल चला जाता। फ्रेंड्स इस समय मैंने इनकी जो त्रिशूल आपको दिख रहा होगा मैंने इसको बिल्कुल हटा दिया है, इसके जो लीव्स हैं हटाने के बाद में फिर इसमें इतने अच्छे ढंग से भूसी हो जाएगा, बहुत घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसे बने रहें। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं त्रिशूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये वायर से ही बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना अभी ये नाजुक है, नाजुक ये अगर वायर से नहीं बनाएंगे तो ये नहीं बन पाएगा, और फिर जब ये हार्डी पौधा हो जाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से बनकर के रेडी हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स है देख रहे हैं कि कटिंग से मैं इस पौधे की कितनी टहनियाँ अच्छे ढंग से निकाल रही हूँ, और बहुत अच्छे ढंग से इसमें अच्छे से ग्रो हो जाएंगी ये। मैं इनकी हार्डी हैं, पहले हमने पीकॉक इसमें अगली साल बनाया था तो आप लोगों ने देखा होगा, तो उस पीकॉक के साथ में अब इनकी जड़ें मजबूत हो गई टहनियाँ, तो मैं अब इनको दूसरा रूप दे रही हूँ, और मैंने ढेर सारी पीकॉक आप लोगों के बीच में बना करके भी रेडी की तो आप लोगों ने देखा होगा। ये फ्रेंड्स देखिए बनकर के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब ये मैं इसमें त्रिशूल को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे साथ बिल्कुल देखते रहें, और ये बिल्कुल बहुत हार्डी पौधा होता है फ्रेंड्स, बहुत हार्डी होता है। Thank you.
फ्रेंड्स, अब ये वायर की मदद से जो है, ये बिल्कुल मुलायम सा वायर है, तो इसी की सहायता से मैं त्रिशूल का पूरा रूप दूंगी। क्योंकि जब ये बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा तो फिर ये वायर है तो वायर मैं निकाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वैसी की वैसी हमेशा के लिए बना रहेगा। फ्रेंड्स, अगर ये जेट प्लांट एक तो लगाना भी शुभ होता है, घर में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आती है। और मैं तो यही कहूँगी कि पौधे कोई से भी हो, सारे के सारे अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, कोई पौधा कोई नुकसान नहीं करता है हमारे समझ से। और फिर तो तरह तरह के लोग होते हैं, बात अपना अपना क्या क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैं कैसे वायर को लपेट करके बांध रही हूँ, और जो इसमें काफ़ी खूब टहनियाँ होंगी आपने देखा होगा। सिर्फ त्रिशूल के लिए मैंने नीचे जड़ से लगा हुआ हार्डी प्लांट हो गया है, और ये तीन मैंने इनकी टहनियों को बचा रखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी भी कम देना पड़ता है, और आप देखते रहें कि कैसे मैं करती हूँ इनको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वायर्स इसको बांध दिया, और ऊपर जो है मैंने धागा, ये जो है ये धागे से मैंने लपेट करके, थ्रॉट से लपेट के दिया, उससे उसमें दिखेगा नहीं और ये पूरा भर लेगा। और ये फ्रेंड्स, जो मैं कपड़ा दिखा रही हूँ, कपड़े को मैं क्या करूँगी कि ये हमारे जो स्टोन में इसमें कलरफुल डाल रही हूँ, तो एक तो हमारा गार्डन, ये हमारा गमला भी अच्छा लगेगा, और हमारा इसमें मैं पानी अगर कोई डालूंगी तो तुरंत पानी चला जाएगा। और इसकी क्वांटिटी जब 2-4-6 रोज में इतनी गर्मी भी होती है, तब भी 8-8-10-10 रोज में इसमें पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, भले ही इतनी गर्मी होती है उसके बावजूद भी। और सर्दियों में तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें देखिए जो शॉपिंग थैले होते हैं वही ला कर के लगा दिए कॉटन के, तो ये फिर इसके बाद में मैं इसमें स्टोन डाले दे रही हूँ। स्टोन डालने का पर्पज एक यही है कि फ्रेंड्स लुक वाइज भी बहुत सुंदर लगता है, और जो है कपड़े के ऊपर इसलिए डालते हैं कि ये स्टोन गंदे नहीं होते हैं।
हमारा एक ही एक पर्पज रहता, जब इनको चाहें तो आराम से निकाल करके इनकी गुड़ाई भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर के आप लोग भी करते रहें। और फ्रेंड्स, देखें कि आप बताएं कि किस तरह से मेरे ये DIY मैंने बना करके रेडी किए हैं। और इनकी फ्रेंड्स ज़्यादा जड़ें नहीं जाती हैं, क्योंकि जड़ें ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलेंगी। और देखिए फ्रेंड, इनमें क्या करें, अब थोड़ा सा पानी डाल दें। अब आप बताएं कि मेरा कैसा लग रहा है। और देखिए, जब मैंने पानी डाला तो इसमें कितनी चमक स्टोन में आ गई है। इनका बोनसाई भी लुक दे सकते हैं, मतलब ये जेट प्लांट से कई तरह के आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं और अपने घर को हरा भरा बना सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स बताएं कि कैसा मेरा त्रिशूल लग रहा है। फाइनली बनकर के बिल्कुल रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरी मेहनत का फल आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी DIY किस तरह से लग रही है और कैसे मैं गार्डन को बनाती हूँ। और क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बस आप लोगों को बताने के लिए। कुछ आप लोग बताते हैं, कुछ हम लोग भी सीखते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।